Okay, now welcome to this first class on political science for pre-PhD course. Now first thing, just I was telling you that this is not a very difficult course. I am sure all of you must have seen the syllabus of political science. Is it there? आप सब लोगों ने जो political science का pre-PhD का syllabus है वो देख लिया होगा. This is available on website. अगर आप लोगों को ये सिलेबस आपके पास नहीं है देन यू कैन टेक दैट कॉपी फ्रॉम मी ओके एंड आई कैन फॉरवर्ड इट ऑन द ग्रुप विच वी हैव फॉर्म्ड वे आई टुडे इटसेल्फ आई विल फॉरवर्ड द सिलेबस ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप सो इफ यू लुक इनटू द सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग थिंग्स आर वेरी सिंपल द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रिवाइज whatever has been taught to you and there are certain new topics which you have to go through kuch purani cheeze hain kuch nayi cheeze hain keval unke revision ki baat hai and this is a good opportunity to you ki aapke jo ye hamare aur aapke kareeb 45 contact classes honge april tak un 45 contact classes mein aapko nayi nayi jankari milegi aur aapko mauka milega ki aap kaise पॉलिटिकल साइंस में अच्छी से अच्छी रिसर्च कर सके. आप लोगों की जानकारी में ये बात होगी कि इंडिया में भी और विदेशों में भी इस समय पॉलिटिकल साइंस में बहुत काम हो रहा है और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा फील्ड बन गया है जिसमें सब तरीके के लोग रिसर्च कर रहे हैं. नाउ दिस डोमेन ऑफ रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस इज नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिकल साइंस ओनली. पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग, पीपल फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंसेज, people from so many other fields are coming into the field of political science. aisa kyun hai? can anyone answer this? kyun aa rahe hain log? alag alag fields ke log political science mein research karne. there are so many institutes in india and abroad jahan par political science mein research ho rahi hai aur wo jo research institutes hai wo keval kisi universities tak affiliated nahi hai बल्कि वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं. CSDS, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च, बहुत सारे गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट्स पर रिसर्च कर रहे हैं. ऐसा क्यों है? यस यस वेरी गुड. बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज नॉट पॉलिटिकल साइंस ओनली, बहुत ब्रॉड है वो आपको बताएंगे. एनीथिंग विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ ए सोसाइटी और कंट्री इज विद इन द परव्यू, विद इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. हर वो चीज जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी देश, समाज, राष्ट्र की राजनीतिक प्रक्रिया को, राजनीति को प्रभावित करती है, वो पॉलिटिकल साइंस रिसर्च या पॉलिटिकल साइंस का के स्कोप के अंतर्गत आती है. तो नाउ यू कैन सी दैट एनीथिंग इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, एनीथिंग इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस. सो द डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस रिसर्च आर वेरी वेरी वास्ट. आई डिड एमए इन पॉलिटिकल साइंस बट आई डिड माई PhD इन सोशियोलॉजी, क्योंकि वो मिला जुला फील्ड है. I did on political participation, I did on political development, I did on rural development. In fact, political sociology ke field mein the political topic of my thesis was elite participation in rural development. jab hum elites ki baat karte hain to elite ki baat kar rahe hain to political participation of a certain class ki baat kar rahe hain aur dusri taraf hum development ki baat kar rahe hain, dono ke relationship ko hum establish karne ki koshish kar rahe hain. to is tarah se naye naye cheeze aap soch sakte hain. जितनी आप नई चीजें सोचेंगे उतना आपको पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च करने में मजा आए. सो माय फर्स्ट टिप टू यू एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज दैट यू एंजॉय योर रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस. इसको और इस कोर्स वर्क में जितना मैक्सिमम इंटरेक्शन से फायदा आपको मिलेगा उतना क्लासरूम टीचिंग से नहीं मिलेगा. इसलिए ज्यादा से ज्यादा बोलिए, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट और इंटरेक्ट कीजिए तो आपको फायदा मिलेगा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. आपका जो सिलेबस है
उसमें मैं आज आपसे पहला जो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ वो केवल यूनिट वन का मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बताऊंगा तो मैं इसमें से थोड़ा ही पार्ट, ये आपका यूनिट वन टोटल है जिसमें पहली चीज दी गई है नीड एंड पर्पस ऑफ पॉलिटिकल साइंस रिसर्च, क्या जरूरत है, क्यों हम पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्या केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमको पीएचडी की डिग्री मिल जाए और उसके बेसिस पे हम क्वालिफाई कर जाएं लेक्चरशिप के लिए, ऑफ कोर्स दैट इज द प्राइमरी एम, आई डोंट डिनाई इट, बट उसके बियॉन्ड भी कुछ नॉलेज गेन या हम उस डोमेन जिसमें काम कर रहे हैं उसमें हम क्या ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज दिस इज ए टाइम व्हेन यू कैन एक्वायर लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक तो इसका पर्पस, रिलेवेंस, नीड, इम्पोर्टेंस, ये सब चीजें हम लोग पॉलिटिकल साइंस में सीखेंगे। दूसरा फिलॉसफी ऑफ रिसर्च, विशेष रूप से इसके अंदर आपका एक टॉपिक दिया गया है एथिक्स इन रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा इसमें एथिकल इश्यूज क्या हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। Approaches to research in political science, very important part, which I will discuss in detail. कि political science research हम करते हैं तो किस किस दृष्टिकोण से हम research कर रहे हैं, और आप लोग सब लोग जानते हैं सिर्फ उसको केवल revise करने की बात है, आप शुरू से BA part 1 से इन चीजों को पढ़ते चले आ रहे हैं कि what are the traditional approaches to political science and what are the behavioral or modern approaches in, अब तो behavioral के आगे बढ़कर दो और stages आ गई हैं जिसको modern post modern कहते हैं, तो वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करें। इसके बाद हम हर्मेनाइटिक्स, पोस्ट एपिस्टेमोलॉजीज, जिसको हम ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा होता है ज्ञान का स्रोत, कहां से हम हर्मेनाइटिक्स की बात करेंगे, फिनोमेनोलॉजी की बात करेंगे, इसमें फिलोसफी के हमारे प्रोफेसर है वो आएंगे वो आपको बताएंगे, मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करेंगे हम लोग, इस पर डिस्कशंस होंगे, और एक नई विधा और नया एरिया आया है फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी, इस पे भी आजकल बहुत काम हो रहा है फेमिनिज्म के ऊपर भी, उनका अपना एक जेंडर पर्सपेक्टिव है जिस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। वेव्स, इसमें डिफरेंट वेव्स, यू मस्ट बी नोइंग दैट फेमिनिस्ट की वेव्स हैं, व्हिच वेव वी आर इनटू नाउ, नहीं हम कहते हैं ना जब नारीवाद की हम बात कर रहे हैं तो नारीवाद के विभिन्न विभिन्न वेव्स हैं, लहरें लहरें, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, We are into fifth wave now. Fourth wave हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, हम लोग अब fifth wave में हैं। तो ये कहता है self determination, which is the fifth wave of self determination. आएगा उसके discussion सब लोग बाद में करेंगे। तो ये आपकी unit one के कुछ broad areas हैं जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ना ये कुछ बेसिक चीज थी इसके अंदर जो आप लोग अभी फर्स्ट लेक्चर में भी देख चुके होंगे, तो मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत इसके अंदर नहीं है कि व्हाट इज ए रिसर्च सब लोग जानते हैं, कोई बताइए आप ही में से बताइए, अभी आप लोग हम सुन रहे थे व्हेन आई एंटर्ड यू आर डिस्कसिंग व्हाट इज रिसर्च, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बताइए एनीबॉडी, अभी कुछ बोल रहा था ना कोई जन, रिसर्च क्या है बताइए आप बताइए, और कोई बताएगा आप में से, बताइए आप सब लोग रिसर्च करने जा रहे हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका, अब धीरे धीरे आप लोगों के नाम भी हम सब याद करने की कोशिश करूंगा मैं, विजय लक्ष्मी से, फाइंड समथिंग न्यू, ओके, सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ये तो आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट रही हैं क्या आप, साइकोलॉजी वाले ये कंट्रोल्ड वर्ड वही लोग ज्यादा यूज करते हैं, और देखिए इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है, बैठ जाइए, रॉबर्ट बेरी की, रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना, आई पर्सनली डू नॉट एग्री विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज फार एज रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंसेज कंसर्न्ड, डेफिनेशन है, इट इज ए गुड डेफिनेशन, लेकिन देखिए हर डेफिनेशन को हम
एज इट इज नहीं ले सकते। जो डेफिनेशंस दी जाती है किताबों में उसको आप पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसमें चीजें परिवर्तित करनी चाहिए। वही मेरा ऑब्जेक्शन उसी कंट्रोल वर्ड पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम पॉलिटिकल साइंस रिसर्च में कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते, कोई बता सकता है? हाँ, अब मान लीजिए आप इलेक्टोरल बिहेवियर में स्टडी कर रहे हैं, मतदान व्यवहार के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस में बहुत कॉमन रिसर्च आजकल के समय पे है मतदान व्यवहार के ऊपर स्टडी करना। आज अभी पिछले जब इलेक्शन हुए थे यूपी गवर्नमेंट के, जब सपा की सरकार थी, तो आपने देखा कि सपा सरकार में लैपटॉप बांटे गए। क्यों बांटे गए थे? इस उम्मीद से कि भाई एक उद्देश्य तो था कि छात्रों का हित हो, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है परोक्ष हित ये रहा हो कि हमको नेक्स्ट इलेक्शन में इससे फायदा मिलेगा। यही होता है ना। उसके बाद बीजेपी आ गई, तो उनको फायदा मिला या नहीं मिला, आई डोंट नो। पिछली बार मिला नहीं मिला, नहीं छात्रों को तो मिली। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हाँ, लेकिन वोट परसेंटेज में उनको बढ़ावा मिला कि नहीं मिला, डू नॉट इस पर्टिकुलर फैक्टर। ये भी एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है, इट कैन बी वन टॉपिक ऑफ हर रिसर्च। केवल पीएचडी के लिए नहीं होती है, रिसर्च पेपर्स के लिए भी होती है। यू हैव टू राइट रिसर्च पेपर्स आल्सो, सो दिस कैन बी वन टॉपिक ऑफ रिसर्च पेपर टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैपटॉप एंड इट्स अफेक्ट, इट्स इंपैक्ट ऑन वोटिंग बिहेवियर। हाँ, वही वही उसी तरह। हाँ, उनकी क्या, ये तो जनरल है, तो हमारे यहाँ बहुत समय से, अब ये कहिए उसका रिफाइनमेंट हो गया। पहले जब वोटिंग नोट बढ़ते थे, गांव में आप जाइए शराब के पौच बढ़ते हैं, यानी कब से बढ़ रहा है, पैसे बढ़ते हैं, पौच प्रलोभन है तरह तरह के। अब उसका एक रिफाइंड रूप ये आया कि भाई हम, हाँ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसको वोटिंग राइट है। दैट मींस एनीबॉडी हु स्टडीज इन कॉलेज इज अ वोटर नाउ, सो दे वांट टू अट्रैक्ट वोटर्स। वो भी बात है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि वही अब यहां पे कॉपी होने की कोशिश हो रही है, बट वोटर का जो वोटिंग पैटर्न है वो क्या इससे अफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि जो वोटर का माइंड है, आज आपको कहीं से बहुत अच्छा लगी कोई चीज आपने वो कर दी, कल आपको उसी रूलर की उसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई चीज अच्छी नहीं लगी, तो आपका वोटिंग पैटर्न चेंज हो गया। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू असेस द ह्यूमन माइंड दैट व्हाट विल बी योर नेक्स्ट मूव। हो सकता है पिछली बार आपने भाजपा को वोट दिया, इस बार आप सपा को वोट दे दो। व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड नोबडी नोज। देर आर मेथड्स टू नो, देर आर सो मेनी मेथड्स टू नो, बट आप ह्यूमन माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप स्टडी तो कर सकते हैं, देखिए देयर इज अ डिफरेंस, यू कैन स्टडी, यू कैन एनालाइज। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप उसके इंक्लिनेशन को जान सकें, बट लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कोई ऐसी घटना हो जाए कि जो भी कुछ आपने सोचा उससे पलट के वो वोट दे दे। सो यू कैन नॉट कंट्रोल द ह्यूमन माइंड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। इसलिए मुझको इस कंट्रोल वर्ड पर थोड़ा सा ये है, क्योंकि ये जो कंट्रोल वर्ड है साइकोलॉजी, जहां पर भी कंट्रोल स्टडी हो, जैसे लैब्स के अंदर है, नेचुरल साइंसेस के अंदर है, बेसिक साइंसेस के अंदर है, जहां पर आप किसी भी ऑब्जर्व फिनोमिना को अपने हिसाब, आप लैब का कंट्रोल टेम्परेचर अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। आप कोई केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, आप कितनी उस पे
हीट देनी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कितनी देर उस कितने टेम्परेचर पे कितनी देर तक किसी केमिकल को रखना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट सिंस अवर एरिया ऑफ रिसर्च इज सो वास्ट एंड वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द ह्यूमन फिनोमेना। दैट इज व्हाई इट इज सेड, और उस दिन ओरिएंटेशन में भी आपने सुना था, दैट कौन कह रहा था, वेरी गुड स्पीकर हु वाज टेलिंग दैट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू डू रिसर्च इन सोशल साइंसेस, बिकॉज हियर यू आर, दिस इज व्हाट इवन ऑगस्ट कॉम्टे द ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट सेड, दैट द मोस्ट डिफिकल्ट फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ रिसर्च दैट इज सोसाइटी। एनीवे, तो ये आपके बेसिकली रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। अब न्यू वर्ड की हर चीज, बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुछ नया खोजते हैं, ये आप लोगों को लगातार बताया जा रहा है सिंस द ओरिएंटेशन डे, प्रोफेसर शर्मा ने भी आपको बताया, टुमारो अगेन ही विल बी विद यू ऑनलाइन क्लास के मोड से आपके साथ होंगे वो, यहाँ पर उनका लेक्चर होगा ऑनलाइन, कि कुछ नया करने जैसी चीज हो सकता है हो, बट जनरली नहीं होती है, कुछ हो सकता है कुछ बहुत बड़े आप रिसर्चर हो जो सब कोई चीज नई करते हैं, बट जनरली मोस्टली व्हाट वी डू इन रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज इन अदर फील्ड्स ऑफ सोशल साइंसेज इज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, है ना, चरों के मध्य संबंध स्थापित और उनकी उनका अध्ययन करना किसी रिसर्च का एक विशेष काम होता है, यू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द वेरिएबल्स, जो आपको रिसर्च मेथड्स के पेपर में मैं आपको बहुत डिटेल में मैं भी बताऊंगा और लोग भी बताएंगे कि यू मस्ट हैव स्टडीड आल्सो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सुने ये शब्द आपने, तो इन सब के बारे में चर्चा होगी जिस पर अभी मैं नहीं जा रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसे रिसर्च जिसके बारे में अगेन दूसरे में बताया जाएगा इसलिए इस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो है आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। इसमें आप टाइम लीजिए, इसमें बहुत जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप अपने रिसर्च का कोई टॉपिक ले लेते हैं तो उस पर उसी पर डिपेंड करेगा कि आपकी रिसर्च का नेचर क्या होगी और वो कैसे आप उसको आगे ले जाने वाले हैं। सो गिव ए प्रॉपर थॉट टू इट, डिस्कस इट विद योर प्रपोज सुपरवाइजर्स, विद योर टीचर्स, विद योर फ्रेंड्स, एंड देन फाइनलाइज द टॉपिक। सो आई एम नॉट गोइंग, दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन पेपर वन। Now we are coming to political science now. Political science के हम लोग जानते हैं कि दो dimensions रही, एक traditional political science, can anyone tell, क्योंकि आप लोग सब political science के छात्र रहे हैं, MA part 1 के students को अभी अभी हमने यही सब चीजें पढ़ाई हैं आप लोगों को, तो आप लोग भी इसमें बता सकते हैं। दो phase political science के broadly हम लोगों ने कहा, एक traditional phase of political science और एक जिसको हम रफली कहें मॉडर्न फेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जो ट्रेडिशनल फेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस है इसको हम कब से शुरुआत मानते हैं और कब इसका हम कहते हैं कि डिक्लाइन हो गया और मॉडर्न फेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो गया, कब से स्टार्ट हुआ ट्रेडिशनल फेज परंपरावादी राज्य में, और कब तक चला, कब तक बताइए भाई, आप क्या कह रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बहुत बाद में पहुंच गया, 1939 में पहुंच गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई, 1919, हाँ, तो रफली हम कहते हैं, जो हम रफली अभी देखिए इसमें मैं बताऊंगा कि ये बिल्कुल आप सही नहीं कह रहे हैं, खासतौर से जब इसके उद्गम की बात हम कर रहे हैं, है ना, स्टार्ट आप लोगों ने कहा ग्रीक फिलोसफी से इसका स्टार्ट, ठीक है, प्लेटो और एरिस्टोटल, यही कहा ना, तो हाँ चार्ल्स तो बाद में हुआ है प्लेटो के, वो तो मॉडर्न में, हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल आप कुछ कुछ सही लाइन पे जा रहे थे, और पीछे जाइए, नहीं और पीछे जाइए, यस बताया था ना तुम लोग,
देखिए इसमें दो धाराएं हैं, एक वेस्टर्न धारा है, एक इंडियन या ईस्टर्न धारा है। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उनको लगता है कि वी आर द अल्टीमेट, है ना। तो वो ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी या वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, या आप लोगों को वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी में बताया था उसे, वो कहां से बांधते हैं, 4th century BC प्लेटो के समय से, आज से करीब 2500 साल पहले। 4th century BC में लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले जब सोक्रेटिस के बाद प्लेटो आया, तब से वो मानते हैं, जब से प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक लिखी तब से ये कहा कि साहब ये वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी का एरा प्रारंभ हो गया। बट दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग ऑफ 2500 years ago ओनली। जब हम वेद और महाभारत की बात करते हैं, तो हम कितने साल पहले की बात करते हैं, लगभग, हालांकि कोई निश्चित नहीं है कि कब लिखे गए, कब एग्जैक्टली कब वेद लिखे गए, कब लिखा गया, इसका कोई हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। बट स्टिल वी से दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी और एशियन और इस साइड के ईस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की हम बात करते हैं, तो हम वेद और महाभारत से उसको ट्रेस कर सकते हैं, जो लगभग ये माना गया कि 5000 साल पहले की बात है। तो ये जो फिलॉसफी है पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये 5000 साल पहले की फिलॉसफी। और तब वेदों में आप जानते हैं ऋग्वेद के अंदर खास तौर से हमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लक्षण मिलते हैं, हमें वहां पे इस तरीके की सभा होती थी, सभागार होते थे, उसके हम लोगों को ट्रेसेस होते हैं, उस तरह का लिखा गया है उसके अंदर। उसके बाद महाभारत, महाभारत तो पूरा ही इसी के ऊपर है, रामायण पूरा राजतंत्र के ऊपर बात की गई है। महाभारत में आप लोग जानते हैं शांति पर्व है, जिसमें भीष्म पितामह ने कैसे राज्य को चलाया जाना चाहिए उसके सारे उपदेश दिए हैं, तो वहां से हम ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए इसके उद्गम को लेके अलग अलग, ईस्टर्न इंडियन व्यू अलग है, वेस्टर्न व्यू अलग है। ये बात ठीक है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी जब से रिपब्लिक की रचना हुई, एक बहुत सिस्टमेटिक वे में पॉलिटिकल थ्योरी हमको एक दिखाई देती है, प्लेटो की, उसके बाद अरिस्टोटल की, उसके बाद और जो आपके सोफिस्ट रोमन थिंकर्स थे उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी दिखाई देती है, उसके बाद हमको मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, ग्रीन, जितने आपको दिखाई देते हैं 19th century तक, मार्क्स, हेगल, ये सब एक इनकी बहुत सिस्टमेटिक किताबों में लिखी हुई क्रमबद्ध एक पॉलिटिकल थ्योरीज हमको दिखाई देती है, जिसको हमने रफली कहा कि वो 5000 साल पहले से लेके अब तक, जो अब कब से खत्म हुआ और नया एरा प्रारंभ हुआ, तो आप लोग कह रहे हैं पॉस्ट वर्ल्ड वॉर, और थोड़ा सा पहले हम कह सकते हैं कि एंड ऑफ 19th century एंड बिगिनिंग ऑफ 20th century रफली हम कह सकते हैं। रफली वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम किसी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं बांट सकते कि साहब जैसे ही 31 दिसंबर 1899 को ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी खत्म हो गई और 1 जनवरी 1900 से मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी शुरू हो गई, ऐसा कोई स्विच इलेक्ट्रिक नहीं है, ये इट इज ए फेज, ये एक कालखंड है, एक फेज, एक प्रक्रिया है। आज भी आपको ऐसे बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट मिल जाएंगे, पॉलिटिकल रिसर्चर्स मिल जाएंगे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरीज को फॉलो करते, इवन टुडे इन 21st century। और ऐसे पुराने समय में भी बहुत से ऐसे विचारक थे जिन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडीज को फॉलो किया इवन ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल फेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे बड़ा नाम है अरिस्टोटल, दैट इज व्हाई Can anyone tell why do we say political science is science? बहुत बेसिक, बहुत छोटा सवाल ये पार्ट वन का, क्यों हम political science को science कहते हैं? बताइए। बहुत छोटा बेसिक सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे, आप बताइए।
हाँ बताइए। हाँ तो कौन सा मेथड हुआ वो? कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में साइंटिफिक मेथड, यहाँ पर आपने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके एक सिक्स फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको षटकोणीय वर्गीकरण संविधानों का कहते हैं, वो उससे दिया आप लोगों को। तो हम लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल और भी मैकियावेली का भी नाम आपने लिया, उसने हिस्टोरिकल मेथड्स अपनाया, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स अपनाए, उसने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से इटली में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इटली में किस तरीके से अलग अलग पावर कंटूर्स बन रहे हैं, इसलिए हमको एक स्ट्रॉन्ग किंगशिप की जरूरत है, एक पावरफुल किंगशिप की जरूरत है, मैकियावेली ने कंसेप्ट किया। तो इस तरीके से बहुत से साइंटिफिक मेथड्स पुराने समय में भी यूज हुए। तो ये जो हमने कैटेगराइजेशन किया, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ये हमारा एक केवल एक रफ एस्टिमेशन है कि किन चीजों की डोमिनेंस ज्यादा रही। ट्रेडिशनल फेज में ट्रेडिशनल अप्रोचेस की डोमिनेंस ज्यादा रही, और मॉडर्न में कुछ ऐसे कारण बने जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से मॉडर्न अप्रोचेस की डोमिनेंस ज्यादा आ गई। नाउ वी विल कम टू दैट लेटर ऑन। हियर यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली कि टुडे द सब्जेक्ट इज एक्सटेंड। अच्छा अब इसमें देखिए यहीं पर बता दिया क्या फर्क है। ओके लेट अस डिस्कस हियर ओनली। जब हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या था? हम लोग बेसिकली क्या स्टडी कर रहे थे? हम स्टेट स्टडी कर रहे थे, हम संस्थाएं जिसको आप कह रही हैं इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर रहे थे, हम सरकारों को स्टडी कर रहे थे, हम उसके लीगल कंसेप्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, है ना? हम उसके फंक्शनल पार्ट्स को नहीं देख रहे। हम बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस और उसके जो लीगल कंसेप्ट्स हैं, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज राइट, इन चीजों को हम स्टडी कर रहे थे ड्यूरिंग दिस फेज। ये हमारा ट्रेडिशनल, जनरली आप देखिए राइट फ्रॉम प्लेटो से अगर हम मानते हैं, अगर हम ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफी को भी मान के चले, तो राइट फ्रॉम प्लेटो टू एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, वी वर लार्जली फोकस्ड ऑन दीज एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भी उसका एक पार्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा हो, इन सब चीजों को डिस्कस कर। 20th सेंचुरी में जब हम एंटर किए और जब हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ एंटर किए तो कुछ चीजें बहुत ड्रास्टिक चेंज हुई। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए कि ये चेंजेस क्या थे, क्यों हुए और क्या हुए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप उस समय को ध्यान कीजिए 20th सेंचुरी को, कि उस समय क्या हुआ। सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर क्या हुआ, व्हाट वर द इकोनॉमिक चेंजेस। पूरी सोसाइटी 20th सेंचुरी में, आप जानते हैं कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में आया, जिसको हम इकोनॉमिक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसने उस औद्योगिक क्रांति, उसने पूरे विश्व का आर्थिक संरचना और आर्थिक ढांचा बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। यू ऑल नो दैट जो औपनिवेशिक वार, जिसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, वो बेसिकली इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म था, जिसमें कोशिश ये थी बड़े बड़े देशों की, आप जानते हैं कि उस समय इंग्लैंड वाज द मोस्ट पावरफुल कंट्री दैट टाइम, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जहां प्रारंभ हुआ था, कि हम अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करें। इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनी एस्टैब्लिश्ड इन, कब कब एस्टैब्लिश हुई थी इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनी? हाँ 18th सेंचुरी में, उसमें 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उसके बाद उनका प्रारंभ हुआ, बट 1757 के बाद से हम ये मानते हैं कि प्लासी के वॉर के बाद से यहाँ पे वो धीरे धीरे पूरा यहाँ पे एस्टैब्लिश होते चले गए। तो 18th सेंचुरी थी, दैट वाज 18th सेंचुरी। उसके बाद से लगातार जो औपनिवेश, उसका मेन एम क्या था, उनका मेन एम था कि कॉलोनीज अपने इकोनॉमिक गेन्स के लिए बना, दैट वाज देयर बेसिक एम। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने कितने सारे प्रिंसली स्टेट्स बना दिए, जहां से वो रेवेन्यूज कलेक्ट करते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट करके वो अपनी कंट्री के अंदर ले जाते हैं। बेसिक थिंग वाज मनी, मनी एक्सट्रैक्टिंग। कहने का मतलब ये है कि जिससे जो औद्योगिक क्रांति हुई, इस औद्योगिक क्रांति ने पूरे विश्व को
आर्थिक धुरी पर लाके खड़ा। एवरीथिंग वॉज बींग मैनेज बाय द इकोनॉमीज और हर देश ये चाहता था कि वो आर्थिक रूप से अधिक सुदृढ़ हो। ब्रिटिश के पास चूंकि ताकत थी, सब संसाधन थे, तो उन्होंने पूरे विश्व के खासतौर से जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज थी इनके ऊपर अपना प्रभुत्व, आर्थिक प्रभुत्व जमाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। नव जो आर्थिक औद्योगिक क्रांति आई उसका बेस क्या, कैसे आ गई? यस, साइंटिफिक रिवोल्यूशन वॉज द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सबसे पहली चीज तो मुझको लगता है कि जिसने भी, आई डू नॉट नो किसने किया, पर जिसने भी पहिए का आविष्कार किया, तब से पहिए, मतलब उसको पहिए को चला के बिजली के, पहले तो बिजली से चलाने का, तब से चीजें बहुत तेज गति से दौड़ने लगी और उससे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आते चले, साइंटिफिक इन्वेंशन होते चले। साइंटिफिक इन्वेंशन होने से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बूस्टअप मिला। हाथ के पहिया तो चरखे में भी था, हाथ के चरखे में बनाने में, लेकिन वो चरखा अगर दिन भर में 20 मीटर कपड़ा बना रहा है तो उसी के बगल में एक पावर लूम लग गया, बिजली से जो लग गया, वो एक दिन में 2000 मीटर बनाने लगा। तो जब 2000 मीटर का प्रोडक्शन हो रहा है तो 20 वाला तो पीछे छूट ही जाएगा 20 मीटर का प्रोडक्शन, और जब उसमें और एडवांस होते चले गए तो उसमें रिफाइनमेंट ज्यादा आ गया, ज्यादा अच्छे तरीके का कपड़ा बनने लगा। इसीलिए भारत के कुटीर उद्योग धंधे धीरे धीरे चौपट होते चले गए और जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज बनानी शुरू करी, रॉ मटेरियल यहाँ का लिया, लोग यहाँ के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी और मशीन्स अपनी इस्टेब्लिश की, उनके उद्योग धंधे बहुत तेजी से बढ़ने लगे, उनको बड़ा मार्केट मिलने लगा, सस्ता कपड़ा देने लगे, सस्ती चीजें देने लगे और उसका जो प्रॉफिट था वो उनको जाने लगा, वेल्थ ड्रेन होने लगा। किसकी थ्योरी थी? ये वेल्थ ड्रेन यहां पर होने लगा। तो क्या हुआ इससे? इससे लोगों का, जब ये साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उस पर हम इसके इकोनॉमिक आस्पेक्ट पे ज्यादा ना जाकर हम उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट देख रहे हैं या अपने पॉलिटिकल साइंस में हम उसका देख रहे हैं, उससे हुआ क्या? उससे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी होने, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा इकोनॉमिकली, उसका सोशल इंपैक्ट क्या हुआ, तब हम पॉलिटिकल इंपैक्ट पे आएंगे। उसका सामाजिक, समाज में हर चीज की सोच बदलने लगी, है ना। सबसे पहली चीज ये हुई कि मिल्स बन गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी। अब जब फैक्ट्रीज और मिल्स बनी तो हर चीज तो टाइम से चलती थी, 8 बजे का सायरन बजा, यू आर ए लेबर, यू हैव टू बी इन, 5 बजे का सायरन बजा, यू हैव टू बी आउट। तो वो कंसेप्ट जो पहले हमारे कवि और ये सब लोग करते थे कि सांझ ढले आ जाना, है ना, इस टाइप, वो तो खत्म हो गया। अब सांझ ढले नहीं, 5:34 पे आना, ये कंसेप्ट आ गया। डिजिटलाइजेशन धीरे धीरे होता चला गया चीजों। पहले आप देखिए वो घड़ी, जयपुर में जाइए या दिल्ली में जाइए, जंतर मंतर पे जाइए, तो वो सूरज के उसके हिसाब से वो होती थी कैलकुलेट, वो इतनी, इतना प्रिसाइज थोड़ी हो सकती थी जितना प्रिसाइज आज आपके डिजिटल वॉच है जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स को भी सही सही बता देगा आपको। तो धीरे धीरे ये मानसिकता बदलने लगी। मानसिकता क्या हो गई? अब प्रैक्टिकलिटी आने लगी। और दूसरी चीज क्या आने लगी? यूटिलिटी। प्रैक्टिकलिटी या यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है? हम अब इतने समय में कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर लें, कितना ज्यादा फायदा उठा लें, ये मानसिकता आने लगी। यानी कि अब लोगों की जो कल्चर है, जो वर्क कल्चर है जिसकी हम बात करते हैं, सामाजिक स्तर पर हम बात कर रहे हैं, वर्क कल्चर यूटिलिटी प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड होने लगा, जो कि पहले नहीं था। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंटिफिक रिवोल्यूशन आया तो ये सोशल पैटर्न, इसी तरीके से क्या हुआ, उसका परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा कि
माइग्रेशन माइग्रेशन टू प्लेस, लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे। अब जो गांव से शहरों की ओर गए उससे क्या हुआ, वो लोग ज्यादातर वो लोग थे जो कम पढ़े लिखे थे। देखिए दो तरह के क्लास डेवलप होने लगे सोसाइटी के, एक वो आप ब्रिटिश पीरियड को भी अगर स्टडी करें तो एक क्लास तो वो क्लास था जो बहुत पैसे वाला एलीट क्लास था, जो विदेशों में पढ़ते थे, जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू वगैरह वगैरह, उस तरह का क्लास था, जो बहुत वेस्टर्न एजुकेटेड थे, रिच लोग थे। एक लोग वो जो इस इंडस्ट्री से प्रभावित होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रभावित होगा, गांव से शहरों की ओर आए, वो लोग वो थे जो कम पढ़े लिखे थे। तो वो लोगों को कौन सी नौकरी मिली, उन लोगों को लेबर की नौकरी मिली, लेबर, प्योर लेबर। वो तो लॉर्ड मैकॉले, आई थिंक इट वाज इन 1853 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब उन्होंने वो शिक्षा पद्धति लाए और उन्होंने कहा कि हमको केवल लेबरर्स की जरूरत नहीं है, अब तो हमको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए क्लर्क्स की भी, कौन मेंटेन करेगा अकाउंट्स, कौन मेंटेन करेगा डेली अटेंडेंस, है ना, तो क्लर्क्स भी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो फिर जो है वो उस तरीके के क्लरिकल एजुकेशन भी देनी यहाँ पर शुरू कर दी, तो वो मॉडिफाइड लेबर बन गए जो क्लर्क्स थे विद दिस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। वो एक अलग कहानी है, कहने का मतलब ये है कि इसने पूरे सोशल पैटर्न्स को चेंज कर दिया। जब माइग्रेशन हुआ फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज तो फैमिलीज, जैसा आपने अभी कहा, फैमिलीज क्या होने लगी, न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी, तो सामाजिक संरचना बदलने लगी, सामाजिक संरचना बदली तो वैल्यूज चेंज होने लगे, पर्सपेक्टिव चेंज होने लगे समाज के, काम की यूटिलिटी, यानी कि हर चीज में अब उस व्यक्ति को ये लगा। आप कभी बात कीजिए जो गांव से लेबरर्स काम करते हैं शहरों में आके, या जो रिक्शे वाले हैं, जो गांव के रहने वाले, दूर दूर के रहने वाले हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, कोई कहते थे हम तो आए हैं परदेश से, यहाँ पे काम कर रहे हैं इसलिए कि भाई कुछ बचा के हम अपने घर भेज सकें। तो मेन मोटिव क्या हो गया, किसी भी तरीके से हम कुछ ना कुछ अर्न करें, अर्निंग, सर्वाइवल, अर्निंग, इसीलिए वो वहां यहाँ घर छोड़ के यहाँ पर आए। इस तरीके की सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। अब ऐसी चीजों में, ऐसी जगह में जब ऐसा समाज, और ये समाज आगे जाके और बढ़ने लगा, जब इस तरह का समाज आने लगा, अब आ जाइए आप अपने क्षेत्र में पॉलिटिकल साइंस और जो बाकी विषय थे, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, नेचुरल साइंसेस, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेस, जो शिक्षा के क्षेत्र के अलग अलग विषय थे, ये भी बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते थे। जब समाज में इतना परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, तो उसका प्रभाव विभिन्न शिक्षा के विभिन्न विषयों पर पड़ना स्वाभाविक था। अब कौन सा विषय सर्वाइव कर सकता था जो इन फास्ट चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल जो चेंजेस हैं उसके साथ चल सके मिलकर, और जो समाज की नीड्स हैं उसको पूरा कर सके। समाज की नीड्स को तो यही चीजें पूरा कर सकती हैं। इसीलिए आप देखिए कि जो हमारे बहुत सारे विषय थे जिसमें इकोनॉमिक्स है, जिसमें सोशियोलॉजी है बहुत हद तक, जिसमें पॉलिटिकल साइंस बहुत पीछे छूट गया था, जिसमें साइकोलॉजी है और बाकी विषय है, साइंसेस तो थी आगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, ये बहुत आगे निकल गए। लोग बीमार पड़े तो उनको नई तरीके की दवाएं भी चाहिए, तो बीमारियों के भी नए नए पैटर्न्स आने लगे, जैसे अब लेटेस्ट आप देख रहे हैं तरह तरह की चीजें। तो मेडिकल साइंसेस ने बहुत उन्नति कर ली लोगों की जरूरतों के हिसाब से, इंजीनियरिंग तो आगे बढ़ ही रही थी, साइंस और इंजीनियरिंग, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी जिसका कोई एंड नहीं था। हम लोगों ने बहुत सारे साइंस और इंजीनियरिंग के बहुत सारे फेजेस को क्रॉस किया, आज हम लोग डिजिटल फेज में हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग मैकेनिकल फेज में थे, फिर इलेक्ट्रिकल फेज में आए, कंप्यूटर एज में आए, डिजिटल एज में आए, ये सब साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं जो हम लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, डिजिटल
और आगे जा रहे किस एज में आ जाएंगे। तो ये साइंस भी लगातार, दैट मीन्स देयर इज नो एंड, इसका कोई एंड नहीं है। जब हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स ने क्या किया, इकोनॉमिक्स में बहुत फास्ट चेंजेस, इकोनॉमिक्स ने सबसे ज्यादा अपने आप को चेंज किया। आज सोशल साइंसेस में सबसे एडवांस अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो इकोनॉमिक्स है। इसीलिए आप देखिए कि इवन प्लेसेस लाइक आईआईटी कानपुर ऑफर्स एमएससी इन इकोनॉमिक्स, एमएससी इन इकोनॉमिक्स आईआईटी कानपुर में ऑफर होता है थ्रू जेईई, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम उनका होता है उसके थ्रू ऑफर होता है। दैट मीन इट इज अ हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट। कैसे है कोई बता सकता है अपने से, क्यों हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इतना साइंटिफिक सब्जेक्ट हो गया है, बताइए। बिकॉज इकोनॉमिक्स हैज एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द सर्टेन फेनोमेना, प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स के पास, प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स के पास, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस अवेलेबल डेटा वो इकोनॉमिक्स के पास है। चाहे वो आप नेशनल सैंपल सर्वे कर लें, चाहे आप वो सेंसस की स्टडीज को देख लें, चाहे आप प्लानिंग को देख लें, चाहे आप कोई भी जो आपके फॉर्मूलाज बनते हैं, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन डिसाइडेड बाय द इकोनॉमिक्स, उसके बेसिस पर, उस प्लानिंग के बेसिस पर फर्दर प्रोजेक्शंस करना, फर्दर प्लानिंग जो उस प्रोजेक्शंस पे बेस्ड होती है वो करना, प्रेडिक्शंस करना। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं कि आगे जाके हमारा ग्रोथ रेट क्या होगा, इसकी हम बात करते हैं। ये सब दे हैव द टेक्निक्स एंड फार्मूलाज एंड मेथड्स टू प्रेडिक्ट दीज थिंग्स। इट इज हाईली साइंटिफिक, जो बहुत सारे मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके एबिलिटी टू प्रेडिक्शन एंड प्रोजेक्ट वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स के पास। कमिंग टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में क्या हुआ, व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या होता है, बताइए कोई आप में से, मनोविज्ञान किसे कहते हैं बताओ। जब हम मनोविज्ञान का नाम सुना है, हाँ, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी में क्या फर्क है बेसिकली, एक वो सोसाइटी को स्टडी कर रहा है और वो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड को स्टडी कर रहा है। साइकोलॉजी में सोशल बिहेवियर भी स्टडी हम कर सकते हैं, ग्रुप बिहेवियर भी स्टडी हम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी हम स्टडी करते हैं, बट बेसिकली हम बिहेवियर्स और इंडिविजुअल लेवल पर ह्यूमन माइंड को भी स्टडी करते हैं। तो उनके पास ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं बहुत सारे, जो ह्यूमन माइंड्स को स्टडी करते हैं, जो बता सकते हैं कि आपके माइंड का स्तर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, कॉग्निटिव एटीट्यूड आपका क्या है, आपके सोचने समझने की क्षमता क्या है, आपका बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एटीट्यूड। कॉग्निटिव हुआ जो आप सोच समझ रहे हैं और बिहेवियरल जो आप बिहेव कर रहे हैं, इन दोनों में क्या कोई कोरिलेशन है। साइकोलॉजी को पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा यूज किया गया, पॉलिटिको साइको अप्रोचेस हम लोगों ने मॉडर्न पॉलिटिकल रिसर्चेस में, पॉलिटिकल साइंस रिसर्चेस में हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। कैसे कोई बता सकता है, कैसे हम पॉलिटिको साइको अप्रोचेस पॉलिटिकल साइंस रिसर्चेस में यूज करते हैं। यस, वेरी गुड, यस, जो डिसीशन मेकिंग थ्योरीज आप लोगों ने सबने पढ़ी होंगी, डिसीशन मेकिंग थ्योरी किसकी थी, साइमन, वो क्या कहती है डिसीशन मेकिंग थ्योरी, वो यही कहती है कि जो आदमी या बॉडी, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो उसके एपेक्स लेवल पर बैठा हुआ है, वो ग्रुप क्या सोच रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव एटीट्यूड ऑफ द लीडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
surgical strike hui, Modi was the prime minister of the country. He took a decision to go ahead with the surgical strike. हो सकता है मोदी की जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर होता एक्स वाई जेड विदाउट नेमिंग एनीबडी, तो शायद वो ये डिसीजन ना लेने की क्षमता रखता। 1975 में इमरजेंसी लगी, मिसेस गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, शी टुक डिसीजन ऑफ इम्पोजिंग इमरजेंसी। हो सकता है उस समय कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो इमरजेंसी ना लगती। तो जो लीडरशिप है टॉप लेवल की या किसी भी, जब हम पॉलिटिकल साइंस रिसर्च की बात करते हैं तो केवल हम नेशनल लीडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग एट एनी स्टेज, इवन एट कॉलेज लेवल द प्रिंसिपल इज द टॉप डिसीजन मेकर। तो हु इज द प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या समझ है, वो क्या डिसीजन लेगा, वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपनाएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं वेबर को, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स अथॉरिटीज की उसने बात की, डिफरेंट अथॉरिटीज के, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स हैं। तो वो लीडर जो हमारा लीडर टॉप पे बैठा है, डिसीशन मेकर है, वो किस तरीके के डिसीशन ले रहा है, ये सब चीजें हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी अब आई है ये चीजें, नॉट वेरी बहुत लंबा इसका इतिहास नहीं है, लेकिन अब ये इन चीजों पर फोकस करना और स्टडी करना शुरू किया है। साइकोलॉजी हमसे बहुत पहले ही आगे निकल चुकी थी, आज साइकोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, उसके पास बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनके बेसिस पर वो पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। आप लोगों ने डिफेंस के बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, एसएसबी एग्जाम्स दिए होंगे, दिए किसी ने एसएसबी का, हाँ, तो उसमें भी इस तरह के टेस्ट होते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, WAT, और कौन सा टैट, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, सेट होता है, सिचुएशन रिएक्शन SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, सब साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है। तो साइकोलॉजी बहुत आगे निकल गई। पॉलिटिकल साइंस में क्या कोई ऐसा टेस्ट है हमारे पास कि ये अच्छा लीडर है कि बुरा लीडर है? साइकोलॉजी में तो है, SRT बताया, WAT बताया, TAT बताया, बहुत सारे ऐसे टेस्ट, और भी बहुत सारे एडवांस टेस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास अभी तक तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि जिसको हम लगाए और पूछ लें। और अगर किसी नेता को अगर हम लोग प्रिडिक्ट कर दें तो वो नेता ही क्या कि इसका नेक्स्ट क्या होगा, है ना? तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस इस मामले में थोड़ा सा पिछड़ गया। इकोनॉमिक्स आपने देखा आगे निकला, साइकोलॉजी आगे निकला, सोशियोलॉजी बहुत आगे निकल गया। अगस्त कॉम्टे, उन्होंने उस समय से पॉजिटिविस्ट की बात की और पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात की, और तब से लगातार दुर्खीम ने, आप लोग जानते हैं उस जमाने में स्टडी किया, सुसाइड की थ्योरीज को स्टडी किया, बताया, सिगमंड फ्राइड ने बताया, बहुत सारे ऐसे आपको इनफैक्ट सोशियोलॉजी से ही प्रभावित होकर पॉलिटिकल साइंस में साइंटिफिक अप्रोचेज आना शुरू हुई। पार्सन्स, टालकोट पार्सन्स का नाम आपने सुना होगा, ये बात जिसने फंक्शनल अप्रोच दी, जिसको पॉलिटिकल साइंस में लाए हम लोग, तो बेसिकली सोशियोलॉजी था। R.K. मॉर्टन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बात में जिसने पोलिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न पोलिटिकल एनालिसिस की बात की, वो बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट था। रॉबर्ट डहल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट था। इवन जिसका नाम आप ले रही हैं कार्ल मानाहिम भी बेसिकली सोशल साइंसेज और सोसाइटीज के स्टडीज में पहले इन्वॉल्व था। तो ऐसे आपको दिखाई देंगे कि धीरे धीरे जब सोशियोलॉजिस्ट ने पोलिटिकल साइंस के बेसिक फील्ड के अंदर इंटरफियर करना, आर्मन एंड पॉल का नाम आप लोगों ने, उसके बाद जिसने एलिट की थ्योरीज दी, क्या नाम था, पेरेटो मोस्का मिशेल्स, इन लोगों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, ये सब लोग बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट थे। बाद में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में आकर पॉलिटिकल साइंस, मार्क्स, कार्ल मार्क्स सबसे बड़ा, इन लोगों ने इस फील्ड के अंदर आना, मार्क्स, मैक्स वेबर, इन सबसे पहले मैक्स वेबर था, मैक्स वेबर आज सोशियोलॉजिस्ट प्राइमरली। तो जब इन लोगों ने आकर पॉलिटिकल साइंस में काम करना शुरू किया, तब पॉलिटिकल साइंस के विद्वान जो थे उनको शर्म आई,
कि भाई हम लोग भी कुछ करें, हम लोग भी अपने सब्जेक्ट को जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल चेंजेस ऑल ओवर द ग्लोबल लेवल पर हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंटिफिक रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, उससे मैच कराए। इट वॉज ए स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अगर हम अपने सब्जेक्ट को, पॉलिटिकल साइंस को, बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से मैच नहीं करा पाए तो पॉलिटिकल साइंस समाप्त हो जाएगा एंड इट विल बी टेकन ओवर बाय अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स बहुत आगे निकल चुके हैं। और यही 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने सब्जेक्ट को बचाना। अब नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस है कि थिंकर्स ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, अरस्तू ने क्या कहा, हॉब्स ने क्या कहा, मार्क्स ने क्या कहा, उसमें रिसर्च जैसी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसर्च पर फोकस जो चेंज हुआ, वो फोकस चेंज हुआ कि हम उन चीजों पर रिसर्च करें जिससे समाज को डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा, जिससे उसकी, उसको हम एज ए थ्योरेटिकल बैकग्राउंड तो हम ले सकते हैं थ्योरीज को। थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्टिल एग्री, आई विल टेल यू दैट आल्सो, दैट थ्योरी हैज टू बी द बेसिस ऑफ एनी रिसर्च, बट वी हैव टू गो ए स्टेप बियॉन्ड। और जब हम रिसर्च पॉलिटिकल साइंस में करें तो हम कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर सकें, अगर प्रिडिक्ट ना भी कर सकें तो हम पॉलिटिकल फिनोमेना को एनालाइज कर सकें। और ये प्रश्न चिन्ह किस क्यों आया सबसे पहले? ये प्रश्न चिन्ह इसलिए आया कि आप जानते हैं कि 1919 में वर्ल्ड वॉर हो गई। नो पॉलिटिकल साइंटिस्ट एवर प्रिडिक्टेड कि वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू हैपन। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग व्हाट फॉर दिस पॉलिटिकल साइंस विच कुड नॉट प्रिडिक्ट कि वर्ल्ड में क्या फॉर्मेशन चल रहे हैं, पावर ब्लॉक्स कौन कौन से बन रहे हैं और ये कहां हमको लेके जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस उस पर चुप नहीं। तो देयर वाज ए बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द सर्वाइवल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 1939 में फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर हो गई, कुछ नहीं बचा पाए पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जब ये सब चीजें होने लगी तब ये आया कि हमको पॉलिटिकल साइंस में आमूलचूल परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमें पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक बनाना पड़ेगा, हमको ट्रेडिशनल फेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस से निकलकर मॉडर्न फेज में आना पड़ेगा। और तब ये नई पॉलिटिकल साइंस 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से, इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कुछ काम शुरू हो गए थे, बट बेसिकली 30s-40s से 1925 में आई सपोज दैट बुक केम, डेविड ईस्टन की जो बुक थी पॉलिटिकल सिस्टम, 53 में आई, चार्ल्स मेरियन की किताब, ये किताब तब, उसके बाद से ये एक तरह से पूरा रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरीज में शुरू हुआ जिसकी हम लोग चर्चा करें। ठीक है ना? उस पर जाने से पहले हमको ब्रीफ में आप ये बता दीजिए कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस थी, इसके कौन कौन सी अप्रोचेस थी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। हाँ, बस ब्रीफली बता दी। हाँ, कौन कौन सी थी? पहली नॉर्मेटिव, दैट इज द वैल्यू बेस, वैल्यू बेसिस। दूसरा लीगल इंस्टीट्यूशनल। तीसरा फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल। फिलोसॉफिकल एंड डिस्क्रिप्टिव आप एक में मिला सकते हैं। ये चार पांच मेन अप्रोच थे। पहले फिलोसॉफिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसका प्रयोग आप लोग जानते हैं बेसिकली प्लेटो और ज्यादातर सभी जितने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं उन लोगों ने किया। और हिस्टोरिकल अप्रोच अरिस्टोटल ने भी किया, प्लेटो ने भी किया, मैकियावेली ने भी किया। अच्छा, हॉब्स लॉक रूसो ने किया कि नहीं किया? इट इज अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग, इट इज अ क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग। कैसे? हॉब्स लॉक और रूसो तीनों सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर्स कहलाते हैं, सामाजिक समझौतावादी विचारक कहलाते हैं ना, सामाजिक समझौतावादी विचारक।
तो क्या इन लोगों ने प्रयोग किया ऐतिहासिक विधि का? और कोई आप बताइए मिस्टर सोनू। हाँ नहीं लगता है ऐसे क्या होता है? यस हाँ हाँ यस देखिए एक बात समझ लीजिए, हॉब्स लॉक और रूसो तीनों ने ये तो हम आपकी बात जो तुम्हारा नाम क्या है बेटा ऐश्वर्या ऐश्वर्या उनके बेटे हो ना तुम, क्या कहते हैं अवस्थी जी के, डॉक्टर अवस्थी सुमित जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ माइन, कह भी रहते वो हमसे कि ऐश्वर्या का अगर आप ध्यान रखिएगा और गड़बड़ी करे तो उसको सीधा क्लास में डांट भी दीजिएगा। तो जो इन्होंने ऐश्वर्य ने अभी कहा कि ये तो है कि जो कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया या जो जो जिस बिहेवियर को उन्होंने स्टडी किया उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी एनालिसिस दी, बट दैट अप्रोच कैन नॉट बी कॉल्ड ए हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच हम इसलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने जो स्टेट ऑफ नेचर बताई है ना, जो उन्होंने हाँ जो उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर की बात की, जो प्राकृतिक अवस्था की बात की या जो उन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की, वो उनके अपने फिलोसॉफिकल डेरिवेशंस हैं, वो उनके उन्होंने अपना सोचा फिलोसॉफिकली ऐसा उन्होंने डिराइव किया। ठीक है ये बात इनकी है कि वो कहीं ना कहीं से तो कोई शून्य से तो कोई चीज आती नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उस बिहेवियर के सोसाइटी के बिहेवियर के बेसिस पे उन्होंने किया, but that approach is not historical, he has not traced it to history. historical approach में आप history से trace करते हैं, जो प्लेटो ने किया education system की theory देने में, जो अरस्तु ने किया constitution बनाने में, जब आप history से trace करते हैं, या मैकियावेली ने किया जो अपना theory of state इटली का उदाहरण देते हुए, तो यहाँ पर इन लोगों को आप historical नहीं कहेंगे, ऑस्ट्रोग और रूसो को, बट हिस्टोरिकल यू हैव अंडरस्टूड जहाँ पर आप ट्रेस करते हैं। इसके अलावा इन्होंने लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अपनाई जहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट्स दिए, हाँ वो आप कह सकते हैं बहुत सारे कंसेप्ट्स दिए, लीगल स्टेट के कंसेप्ट दिए, लिबर्टी के कंसेप्ट दिया, प्रॉपर्टी की थ्योरी दी, लॉ उसने जो प्रॉपर्टीज जो राइट्स नेचुरल राइट्स की बात करी, और भी मिल ने भी बात करी, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात की। तो ये सब अप्रोचेस थी। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोच जिस पर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का जो बेसिस था, दैट वाज नॉर्मेटिव अप्रोच, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। अब वो अच्छी है या कैसी है ये आपको सोचना है, बट दैट वाज द वैल्यू अप्रोच और द नॉर्मेटिव अप्रोच। ये क्या थी, व्हाट इज नॉर्मेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू हियर, किसके पर्सपेक्टिव में, ये आइडियलिज्म तो है, इट इज आइडियल थ्योरी, बट किसका आइडियल, किसका आदर्श की बात यहां पर हो रही है। आप देखिए इसको और सिंप्लीफाई हम करें, मैकियावेली ने क्या कहा, मैकियावेली के हिसाब से राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का उद्देश्य राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली संगठित बनाना, और एक शक्तिशाली राजा का इसलिए होना कि वो राज्य को और अधिक से अधिक संगठित और शक्तिशाली बना सके, है ना, हाँ उसके लिए उसे सब कुछ दिया, बट दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द स्टेट। अरस्तु के हिसाब से राज्य का उद्देश्य क्या है, एक 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 नैतिक राज्य की स्थापना, नैतिक राज्य वैल्यू तो दोनों है, एक नैतिक राज्य की स्थापना, एक नैतिक और आध्यात्मिक मॉरल एथिकल स्पिरिचुअल
एक ऐसा स्टेट अल्टीमेटली बनाना। तो जितने सिद्धांत हैं वही प्लेटो का भी था, एक एथिकल मॉरल आइडिया ऑफ गुडनेस की उसने जो एरिस्टोटल ने बात की, आइडिया ऑफ गुडनेस, दिस इज द आइडिया ऑफ गुडनेस दैट द ह्यूमन बीइंग शुड बी एथिकली मॉरली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। अब दोनों के स्टेट आइडियल है ना, अरस्तु का स्टेट भी आइडियल है, मैकियावेली का स्टेट भी आइडियल है, नाउ विच वन टू फॉलो है समस्या रिसर्च की। पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च आप कर रहे हैं तो ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा। सोनू जी क्या समस्या, क्या आपको इसका क्या विश्लेषण आप करेंगे इस बात? एक आइडियलिस्ट अप्रोच है, एक रियलिस्ट अप्रोच है। रियलिस्ट कैसे, रियलिस्ट कैसे आप और रियलिस्ट सेंस ठीक है, यथार्थवादी हम लोग कहते हैं, आई डोंट डिसएग्री, हम कहते हैं उसकी यथार्थवादी अप्रोच है, लेकिन वो हम अपने पर्सपेक्टिव में कहते हैं, फर्क है। वो प्लेटो के लिए, सॉरी मैकियावेली के लिए, वो उसका आइडियल स्टेट था जो कि यथार्थ पर आधारित था, क्योंकि उसने ये कहा था कि इसी तरह राजा जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, जो उसने इटली में देखा था, राजा जब तक स्ट्रांग और पावरफुल नहीं होगा तब तक वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको बहुत ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। तो वो रियलिस्ट अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, आई एग्री, बट वो उसके यहाँ पर आइडियल का मतलब है, नैतिक से मतलब नहीं है यहाँ पर, आइडियल का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ, वो उसकी निगाह में सर्वश्रेष्ठ राज्य है जहां पर राजा पावरफुल होगा, यही मतलब हुआ ना। अरस्तु की निगाह में वो सर्वश्रेष्ठ राज्य है जहां पर राज्य का अंतिम उद्देश्य व्यक्तियों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान होगा। तो हम किसके अंतिम उद्देश्य को ठीक माने, हम ये मेरा प्रश्न ये है। नहीं पहले तो आप ये, हाँ ये कैसे आप कह सकते हैं व्यक्ति के लिए राज्य, ये एक अप्रोच, ये इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच है, व्यक्तिवादी विचारधारा है, आदर्शवादी विचारधारा इसके विपरीत है। आदर्शवादी विचारधारा कहती है कि राज्य के लिए व्यक्ति होता है, राज्य पहले है व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी विचारधारा वो है जो आप कह रहे हैं कि व्यक्ति के लिए राज्य होगा, किस विचारधारा को ठीक माने? हम और आप दोनों छात्र हैं राजनीति के, राजनीति विज्ञान के, राजनीतिक विचारधारा के, तो हमें तो इस मूल प्रश्न का उत्तर देना होगा। एक मिनट क्या कह रहे हो ऐश्वर्य? नहीं 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 ना 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 हम और आप, अब सुनिए इसका जवाब, हम और आप इसको जज करने वाले कोई नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। जैसे ही आप कहेंगे कुछ, ये कहेंगे कुछ, जैसे उन्होंने कहा कि व्यक्ति के लिए राज, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो हम अपने पर्सपेक्टिव को हम लागू कर रहे हैं, दैट मींस देयर इज सब्जेक्टिविटी, हाँ जाए जिसको बायसनेस कहते हैं। सब्जेक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी सोच को, अपने मस्तिष्क को हम लागू कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अवर ओन थिंकिंग, और तब उसको रिलेट कर रहे हैं हम। देयर इज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। मैकियावेली ने जैसा देखा समझा समाज को, उसके आधार पर उसने एक राज्य की संरचना की। प्लेटो ने जैसा देखा समझा समाज को, आपको मालूम है कि प्लेटो के गुरु कौन थे, बताया था, और सुकरात का क्या हुआ था, उससे वो किस निष्कर्ष पर पहुंचा था प्लेटो? वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि समाज में चारों तरफ अज्ञानता व्याप्त है, राजा भी अज्ञानी है, प्रजा भी अज्ञानी है, प्रजा ने कोई विरोध नहीं किया सुकरात के मर्डर का, और राजा इतना अज्ञानी था कि उसने सुकरात जैसे दार्शनिक व्यक्ति को मरवा दिया, तो चारों तरफ अज्ञानता है। उसने कहा कि राज्य का आधार शिक्षा होना चाहिए, आप जानते हैं कि उसका सूत्र था नॉलेज इज वर्चू एंड वर्चू इज नॉलेज,
गुण ज्ञान ही गुण है, गुण ही ज्ञान है, ये उसका बेसिक सूत्र था। इसके आधार पर उसने पूरा कंसेप्ट दिया था स्टेट का, जो उसने पूरी लिखी, जो उसने अपनी किताब रिपब्लिक लिखी, उसका बेसिस ही ज्ञान था, शिक्षा था। इसीलिए उसने कहा कि जिसपे सबसे ज्यादा शिक्षा और ज्ञानी पुरुष होगा वही राजा बनेगा, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग उसने दी, क्योंकि उसने देखा था कि अज्ञानता से क्या हुआ। तो जो व्यक्ति ने अपना देखा और समझा उसके आधार पर आदर्श राज्य की कल्पना की। तो मैकियावेली ने देखा कि इटली में किस तरीके का संघर्ष था, किस तरह से राजा को कमजोर किया जा रहा था, तो उसने कहा कि जब तक राजा के पास शक्तिशाली सेना होगी, शक्ति होगी, उसके आधार पर ही एक संगठित राज्य बनेगा, है ना। तो यहां पर जो वैल्यू है नॉर्मेटिव अप्रोच, वो नॉर्मेटिव अप्रोच उस विचारक की या चिंतक की अपनी सोच पर आधारित थी, उसका कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं था कि हम प्लेटो को सही माने, कि हम हॉब्स को सही माने, कि हम मार्क्स को सही माने, कि हम मैकियावेली को सही माने, ऐसा हम नहीं कह सकते। वो उनके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स में उन्होंने अपने अपने आइडियल स्टेट्स को, आइडियल स्टेट के कंसेप्ट्स दिए। जनरलाइज मानक उस समय था ही नहीं, ये एक सबसे, इसको कहते हैं नॉर्मेटिव। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव अप्रोच का बेसिस था व्हाट ought to be there, desirability of the thing, वांछनीयता जिसको हिंदी में कहते हैं, कि राज्य में ये वस्तुएं, ये तत्व वांछनीय हैं, उस पर उन लोगों ने, वो उनके अलग अलग थे, वो सब्जेक्टिव थे, जिसको मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ने नकार दिया, बिहेवियरल अप्रोच ने जिसको नकार दिया। और पूरा जो बिहेवियरल अप्रोच है, जिसको हम बता रहे हैं आपसे, जो 20th सेंचुरी जो प्रैक्टिकलिटी पर, यूटिलिटी पर, साइंटिफिसिज्म पर जो आधारित थी, उसने किस चीज पर जोर दिया, क्या होना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष के पर्सपेक्टिव में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या है और जो है इसका परिणाम क्या होगा, इस पर हमें फोकस करना है। व्हाट इट इज एंड व्हाट इज द रिजल्ट, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, अगर कोई चीज है तो क्यों है और इसका क्या परिणाम होगा, यही साइंस का बेस है, कॉज एंड अफेक्ट, स्टडी ऑफ कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। इसलिए हमने पॉलिटिकल साइंस को साइंस करके फोकस किया, वो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में। तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और बाकी चीजें नेक्स्ट रन पे आपसे डिस्कस करते हैं।